सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और उनके विकास के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही ने इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाना उचित नहीं समझा। मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास का है, जहां छात्रावास के अंदर बिजली पानी जैसे मुख्य सुविधाओं की घोर कमी के कारण बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण करने आए जिला कल्याण पदाधिकारी को बंधक बना लिया। आक्रोशित छात्रों ने कहा कि कई बार छात्रावास में हो रही परेशानियों की शिकायत वो प्रशासन से कर चुके हैं, पर उनको डांट डफटकार के साथ भगा दिया जाता है या फिर बस सांत्वना देकर वापस भेज दिया जाता है। कार्रवाई नहीं किया गया। आपका पहुंचे अनिल कुमार राम, क्षेत्र नेता अनुसूचित जाति कल्याण छात्र संघ बक्सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर कि आज दिनांक 5/9 को श्रीमान जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय को बंधक बनाने का मुख्य कारण है बिजली समस्या। जी, छात्रावास में छात्रों के बीच बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि डाइनिंग हॉल का जो भी है विधि व्यवस्था सब खराब है, लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ तक कि जो लाइट लगा है छात्रावास कैंपस में 2 माह से खराब है। छात्रों द्वारा कल्याण विभाग में जाने पर उनको डांट फटकार करके भगा दिया जाता है और सिर्फ संतावना दी जाती है। पहले सूचना सभी अधिकारियों को दी है? जी जी, सूचना दिया गया है। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी राम इकबाल राम ने बच्चों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खारिज करते हुए कहा कि शिकायत के बाद ही मामले का संज्ञान लिया गया है। आपको बंधक बनाने का मुख्य कारण? भीतर की बात हम नहीं कर सकते। तो आपको बंधक बनाया गया इसका मुख्य कारण? समय दिया गया था कि शाम को आएंगे हम, समझे ना, हम अचानक नहीं आए, प्रोग्रामिंग में आए कि मेरे शाम को आएंगे, मिस्त्री आएगा खोज के और मिस्त्री हम अपने सामने दिखाएंगे क्या उसमें करना है करना। तो आपको बंधक बनाया गया है? अपना रूम की चाबी उनके पास है, अपना तला लगा दूसरे। तो कई आरोप लगा रहे हैं लोग? अब अलग बात है, अपना हम तो लोग काम पर देखे, काम हम लोग शुरुआत में लगे हैं, पहले पंखा हम लोग लगाए, पंखा हम करीब 22 से 20 तारीख पंखा लगवा दिए, जो जितना रूम में तना ना पंखा करके लगे, शेष पंखा निकलवा के हम दे दिए मिस्त्री बनाने के लिए। 2 माह से पानी की भी समस्या है लगातार, हम देखा इस बाइस के आए तो देखिए ठीक है, इसके लिए जनरेटर हम लोग पानी उसे भरी है, जनरेटर खराब है ना, जनरेटर नहीं है अभी, आज तेल लेके आए बेचारे का है गैस खराब था, पैसा दे दिया अपना जेबी से तेल लेके आइए, आज के पहले खराब था, आज बनने गया है ना का चीज़ जनरेटर? ना ना जनरेटर ही बने कहाँ गया है, ईयरली वही हम कह सकते हैं लेकिन बनने नहीं गया, जनरेटर तो है रहते परमानेंट, जनरेटर में खराबी नहीं है। वहीं आक्रोशित छात्रों द्वारा किसी पदाधिकारी को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रावास पहुंचकर पदाधिकारियों को मुक्त कराया और मामला शांत कराया। बता दें महीने पहले अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने जिला कल्याण पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए छात्रावास में पंखा चौकी बेंच आदि की व्यवस्था करने और अनुदान की राशि की मांग की थी, बावजूद इसके विभाग द्वारा इसे पूरा नहीं किया गया, जिससे गुस्साए छात्रों ने कार्रवाई की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।